एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा अपना चैनल ममता ब्यूटी ब्लॉग। यहां मैं आपके साथ शेयर करती हूं ब्यूटीफुल स्किन केयर के लिए और हेयर केयर के लिए नेचुरल रेमेडीज। ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं हमारी स्किन और हमारे बालों को बेहद खूबसूरती प्रदान करती हैं, और ये जो नेचुरल रेमेडीज़ हैं बहुत ही ज़्यादा गुणकारी साबित होती हैं। सो आज हम नेचुरल चीज़ों से बनाएंगे बहुत ही अमेजिंग पैक। ये जो पैक है वो हमारी ब्लैकनेस को दूर करने के लिए है। जिन लोगों की गर्दन पर बहुत ही ज़्यादा कालापन हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा चेहरे से अलग गर्दन दिखाई देने लगती है, डार्कनेस हो जाती है, अंडर आर्म्स में बहुत ही ज़्यादा ब्लैकनेस हो जाती है, और हमारी कोहनी पर भी हो जाती है, हमारे घुटने पर भी हो जाती है, आपकी बॉडी पर जहाँ कहीं भी ब्लैकनेस है उसको दूर करने के लिए ये जो पैक है बहुत ही अमेजिंग पैक है। इसे रेडी करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी दो तरह के ऐसे पैक जो आपकी ब्लैकनेस को जड़ से ख़त्म करेंगे। आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और ग्लोइंग हो जाएगी, उसके लिए हम आज ये दो पैक रेडी करेंगे। गर्दन के कालापन को दूर करने के लिए आज बहुत ही अमेजिंग पैक बनाने वाले हैं, तो बिना वक्त गवाए हुए हम शुरू करते हैं अपना पैक बनाना। इस पैक को हमें किस तरीके से बनाना है और किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें लेना है मेथी दाना। जो फेनुग्रीक सीड्स होते हैं वो हमारी स्किन के लिए और हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। सो आज हम अपनी गर्दन पर यूज़ करेंगे मेथी दाना। हमें लेना है 1 से 2 चम्मच के बराबर मेथी दाना, और उसको ऐसे ही हमें मिक्सर जार में डालकर एक फाइन सा पाउडर बना लेना है। उस पाउडर को बनाने के बाद उसमें हम ऐड करेंगे 1 पिंच लेंगे हल्दी और आधा लेंगे हम नींबू। नींबू को प्रॉपर तरीके से उसमें निचोड़ लीजिए, और इसमें थोड़ा सा हमें रोज़ वाटर यूज़ करना है। इन सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आप अपनी गर्दन पर इसे 15 से 20 मिनट के लिए लगा सकते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा पैक भी रेडी करेंगे। इस पैक को तैयार करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी बेसन की, तो बेसन हमें 1 से 2 चम्मच के बराबर लेना है। उसमें हम 1 चम्मच के बराबर ऐड करेंगे मलाई। जो हमारी दही के ऊपर मलाई होती है वो हमें लेनी है, हमें दूध की मलाई नहीं लेनी है, तो उसको हम लेंगे 1 चम्मच के बराबर। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी। हल्दी को अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। इस पूरे पैक को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आप अपनी गर्दन पर, एल्बो पर या अपने अंडर आर्म्स में लगा सकते हैं। इसको भी हमें 15 से 20 मिनट के लिए लगाना है। उसके बाद आप इसे थोड़ा स्क्रबिंग करके निकालिए, और जो कटा हुआ नींबू हमने लिया है, आधा निचोड़ के जो नींबू हमने रखा है, उसकी मदद से उसे रफ करके इस हम पैक को हमें निकालना है। आपको पहली बार में ही इतना असर देखने को मिलेगा, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मिलेगा। सो फ्रेंड्स, इस पैक को लगाने के बाद हम लास्ट में लगाएंगे इसमें कोई भी आपकी अगर बॉडी लोशन है वो आप यूज़ कीजिए, क्योंकि जब हम पैक को निकालेंगे तो आप कोई इचिंग हो या कुछ भी हो उसकी वजह से हमें मॉइस्चराइज़र लगाना बेहद ज़रूरी है। ये दोनों पैक हैं आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे तरीके से फेयर करेंगे और ब्यूटीफुल भी बनाएंगे। आपकी डार्कनेस जड़ से ख़त्म हो जाएगी, आपकी स्किन बहुत ही अच्छे तरीके से ग्लो करेगी। सो फ्रेंड्स, ये दोनों पैक अगर आपको पसंद आए और मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।